अब फाइनली फिलिप और कैरल एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कैरल की खर्राटों के शोर के कारण फिलिप सो ही नहीं पाता है। वो उसे खर्राटे ना लेने के लिए कहता है और वो उसके बाद मान भी जाती है, लेकिन अब खर्राटों पर तो किसी का भी कोई बस नहीं चलता। और थोड़ी ही देर बाद फिर से कैरल की खर्राटे की मशीन चल जाती है। अगले सुबह फिलिप देखता है कि केरल ने एक पेंटिंग पर एक छोटे पपी को पेंट किया हुआ है। फिलिप के पूछने पर केरल बताती है कि इस पेंटिंग में एक पपी की कमी थी और इसीलिए उसने उसे बना दिया। और इतना ही नहीं, केरल ने एक दूसरी पेंटिंग में एक नन्ही बतख भी बना रखी है। फिर फिलिप को पता चलता है कि केरल ने उसकी सारी एडल्ट फिल्म्स को लेबल करके स्टोर रूम में रख दिया है। ये देखकर फिलिप गुस्सा हो जाता है और वो उसे अपनी चीज़ों को फिर कभी न छूने के लिए कहता है, क्योंकि भले ही वे एक घर में रह रहे हैं लेकिन ये उसका घर है। फिर वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और केरल फिलिप को एक सामान की लिस्ट देकर स्टोर से सामान लाने के लिए कहती है। फिलिप गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया और वो शिकायत बोर्ड पर अपनी कंप्लेंट लिखने के लिए बाहर आता है, पर वो बोर्ड तो खुद फिलिप की कंप्लेंट से ही भरा होता है। फिर टोड को मेलिसा के बाल काटते हुए देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। जेलसी से भर कर फिलिप शिकायत बोर्ड में लड़कियों के बाल काटने की शिकायत करता है। थोड़ी देर बाद वह दुकान के बाहर होता है और उसने वह सब कुछ खरीद लिया है जिसके लिए उसे कहा गया था, लेकिन वह उन्हें घर लाने के बजाय उस सामान में आग लगा देता है और भगवान से हताशा में एक काम के लिए पूछता है, और उसी वक्त उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिलिप के सामने कार रुकती है और दो खूबसूरत महिलाएं बाहर कदम रखती है। वो भी अलाइव इन टक्सन बोर्ड देखकर यहाँ आई है और पिछले 2 सालों में पहले व्यक्ति को देखने के लिए एक्साइटेड है। फिलिप भी उतना ही एक्साइटेड फील करता है, लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या और लोगों को जानता है, वह चुप हो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वह कहता है कि टक्सन में वह अकेला आदमी है। वह दो खूबसूरत महिलाओं को पाने के लिए इस मौके का उपयोग करना चाहता है। उन दोनों लड़कियों का नाम गैल और एरिका है। गैल उन दोनों से थोड़ी बड़ी है, जिसे फिलिप पसंद करता है, जबकि एरिका ऑस्ट्रेलियाई है जो बेहद खूबसूरत लगती है। वो दोनों फिलिप को अपने घर पर लाती है और मिलने की खुशी में वो सब शराब पीते हैं। लड़कियों ने बताया कि वो दोनों व्हाइट हाउस में रह रही थी और तब से वो साथ में है। वे ये भी कहती हैं कि उन्हें काफ़ी टाइम से एक आदमी की तलाश थी और हमारा फिलिप तो कितने ही टाइम से सिर्फ यही वर्ड सुनना चाहता था, और वो ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाता है। फिलिप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा है, जब तक कि वे उसकी अंगुली पर अंगूठी नहीं देखते, और तभी उसे केरल की याद आती है और वो थोड़ी देर के लिए घर जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो उन दोनों लड़कियों से वादा करता है कि वह रात को खाने के लिए वापस आएगा। घर पर वह केरल के लिए उसकी सारी चीज़ें लेकर आता है और नकली मुस्कान के साथ उससे बात करता है। फिर भी केरल उससे पूछती है कि वो इतनी देर कहाँ था और वापस कहाँ जाने वाला है। फिलिप कहता है कि वह रात को आराम करने के लिए कैंपिंग करने जा रहा है। केरल ने नोटिस किया कि फिलिप बहुत अच्छे मूड में है और वो उसे मना नहीं करती। बातचीत के बाद फिलिप अपने पसंदीदा बार में जाता है और अच्छे कपड़े पहनता है। वह बॉयफ्रेंड से बात करता है और उनसे गैल और एरिका के बारे में उनकी राय पूछता है। वह दिखावा करता है कि वे उसकी जय जयकार कर रहे हैं और खुद को यकीन दिलाता है कि वह एक अच्छा फैसला ले रहा है। इसके अलावा केरल ने कहा कि वह जब खुश होता है तो वो भी खुश होती है, इसलिए वह अन्य महिलाओं के साथ सोकर खुद को खुश करने के लिए तैयार है और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। अगले सीन में वह शराब की बोतल के साथ गैल और एरिका के घर जाता है। रात के खाने के लिए डाइनिंग हॉल में जाने से पहले वे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देती है। गैल एक शेफ है और उसने काफी स्वादिष्ट डिशेज बनाई है। दूसरी तरफ मेलिसा, टोड और केरल भी साथ में डिनर कर रहे हैं। जब फिलिप और उसकी पर्सनैलिटी का टॉपिक उठता है तो मेलिसा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और सोचती है कि वह एक झूठा आदमी है। हालांकि टॉड फिलिप का फैन है, वह सोचता है कि मेलिसा उस पर बहुत ज्यादा ही रूड है और उसे फिलिप को एक मौका और देना चाहिए। इधर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी फिलिप गलती से बड़ी उम्र की महिलाओं और ब्लैक महिलाओं को पसंद करने के बारे में गलत बोल देता है। लड़कियां इससे नाराज हो जाती है और उससे पीछे हटने लगती है। फिलिप यह करके बात को संभाल लेता है कि उसकी पत्नी केरल मर चुकी है और वह अभी भी शोक मना रहा है, इसलिए वह अभी तक शादी की अंगूठी नहीं उतार पाया। इससे फिलिप को उनकी सिंपति मिलती है और वह केरल की मौत के बारे में एक पूरी नाटकीय कहानी बताता है और ये भी बताता है कि इससे उसके जीवन को कितना नुकसान पहुंचा है। उसे अच्छा फील कराने के लिए लड़की को प्लान है कि वे गर्म पानी में डुबकी लगाएं। फिलिप ये बात सुनकर एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ता है और आज से पहले वो कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था। इस तरफ केरल सोचती है कि उसे अपने पति के लिए कुछ खास करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह उसके साथ अच्छा रहा है। टोड इस बात से सहमत होता है और सुझाव देता है कि उसके लिए पूरे घर को बलून से सजा देना चाहिए। मेलिसा को नहीं लगता कि फिलिप इसके लायक है, लेकिन फिर भी वो टोड और केरल की मदद करने का फैसला करती है। वे स्टोर के लिए रवाना हो गए, जबकि उसी समय गैल, एरिका और फिलिप गर्म पानी के झरने की ओर जा रहे हैं। फिलिप की फूटी किस्मत ही थी कि दोनों कारें एक दूसरे के सामने रुक जाती है।
गेल और एरिका बाहर आती है और टॉड मेलिसा और कैरल से मिलकर काफ़ी खुश होती है। वे एक दूसरे को पाकर इतने खुश हैं कि वे कुछ मिनट के लिए फिलिप को भूल जाते हैं। फिर गेल उसे बाहर आने के लिए कहती है और कैरल देखती है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका प्रिय पति है। फिलिप पर हर कोई गुस्सा है, गेल और एरिका गुस्सा है क्योंकि उसने उनसे दूसरे जिंदा लोगों को छिपाया टोड को निराश करने के लिए, और कैरल गुस्सा है फिलिप ने जो कुछ भी किया उसके लिए। फिर भी वह जोर देकर कहता है कि वह आज रात उनके साथ शरारत करने की योजना बना रहा था। वह खुश होने का दिखावा करता है और कहता है कि वो इसी तरह से उन सबको एक दूसरे से मिलवाने वाला था और ये उसका एक प्रैंक है। किसी के उस पर विश्वास ना करने के बावजूद वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि यह एक प्रैंक था। उन्हें यह भी पता चलता है कि फिलिप ने कैरल की मौत के बारे में झूठ बोला था, और फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वह बेतुके कहानी बनाने लगता है, जैसे कि वायरस से पहले उसकी शादी किरण नाम की किसी और लड़की से हो गई थी। अंत में वे सब उसे घिनौना कहते हैं और उसे सड़क के बीच में फंसा छोड़कर घर चले जाते हैं। फिलिप, जिसने सोचा था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी रात होगी, उसको सुबह घर तक पहुंचने के लिए सारी रात पैदल चलना पड़ता है। नई लड़कियां टोड और मेलिसा और दूसरी चीजों के बारे में बात करते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स का आनंद ले रही है, और साथ में वो फिलिप की बुराई भी कर रहे थे। तभी फिलिप वहां आता है और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वो फिलिप के किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते। उसके बाद वह अपने घर जाता है और देखता है कि कैरल उसका इंतजार कर रही है। वह अजीब शोर करती है और फिर नाटक करते हुए भूत होने के लिए माफी मांगती है। फिलिप अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ है कि यह सिर्फ एक शरारत थी, लेकिन एंड में कैरल उसे एक बदमाश कहती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। भले ही यह फिलिप का घर है, लेकिन फिलिप जानता है कि कल जो हुआ उसके बाद उसने कैरल से बहस करने का अधिकार खो दिया है। घर से जाने से पहले वह अपने और केरल के वॉलपेपर को देखता है। रात में वह अपने पसंदीदा बार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता है जो हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं। उसे विश्वास है कि अगर वह पूरी रात घर नहीं लौटा तो दूसरे लोग उसकी तलाश में आएंगे। वह पूल टेबल पर सोने से भी एतराज नहीं करता है और इसे वह एक आरामदायक जगह मानता है। जब पूरे दिन कोई नहीं आता तो वह अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए इंजॉय करता है। इस बीच गेल और एरिका केरल के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। वे उसके लिए एक पाई लाती है और फिलिप पर विश्वास करने के लिए माफी मांगती है, भले ही यह गलती उनकी नहीं थी, लेकिन कैरल उन्हें दोष देती है कि वो एक ऐसे लड़के के साथ सोने के लिए कैसे रेडी हो सकती है जिससे वो कुछ पल पहले ही मिली है। कैरल की कड़वी बातें सुनकर लड़कियां बाहर निकल जाती है और पाई को भी अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मेलिसा और टॉड कैरल के साथ बातचीत करने आते हैं। कैरल मुश्किल से उनकी तरफ देखती है, उनके सवालों का करारा जवाब देती है। वह उनसे जेलस होती है कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह बेफिक्र होने का दिखावा करती है और यह साबित करने के लिए कि वह ठीक है वह उन दोनों को किस भी करवाती है। फिर टोड और मेलिसा को पता चलता है कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो वह उसे कभी भी उनके पास आने का कहकर वहां से चले जाते हैं। दो दिनों तक बार में रहने के बाद फिलिप को अब रियलाइज हो जाता है कि कोई उसे गलत समझने के लिए माफी मांगने नहीं आने वाला। वह चाहता है कि वह एक अलग व्यक्ति बन जाए, और उसे फिर एक आइडिया आता है। अगले सीन में वह केरल के दरवाजे पर माइक के रूप में दस्तक देता है, फिलिप का जुड़वा भाई अलग बालों के साथ। केरल बिना कुछ कहे बस उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह फिलिप दूसरों को उसके बारे में बात करते हुए सुनता है। वे बात कर रहे हैं कि वह झूठा आदमी है और उसने उसके और केरल के रिश्ते को कैसे खराब किया है। शुरू में फिलिप खुद को बताता है कि वे सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वो एग्री करता है कि वो वास्तव में झूठा है। अब एक नए अवतार के साथ वह एक आखिरी बार बाकी ग्रुप के सामने जाता है जो आग के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे हैं और फिलिप को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप उनकी फीलिंग्स को समझता है और वो एग्री करता है कि उसने गेल और एरिका के साथ जो किया वो मजाक नहीं था। वह हर बार झूठ बोलने के लिए पछताता है, और खास कर केरल के लिए जो हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा चाहती है। वह एक अच्छा पति नहीं होने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह उसे चाहती है, और उसने चर्च में झूठ बोला था कि वो भी केरल को चाहता है। हर कोई पहली बार उसकी बात सुनता है यह देखकर कि उसे वास्तव में अपने किए पर पछतावा है। फिर अगले सीन में फिलिप फिर से अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ है। हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना हुआ हो, लेकिन सब कुछ अपने दिल से निकाल लेने के बाद वह काफी अच्छा फील करता है। और तभी वहां पर केरल आ जाती है। वह एक चटाई लाई है जो उसने पिछले दो दिनों में बनाई है खासकर उसके लिए, क्योंकि उस पर बदमाश लिखा है। चटाई देते हुए वह बताती है कि उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं है, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे तलाक के कागजात सौंप देती है, और उसी समय दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिलिप को भी कागज पर साइन करते समय काफी दुख होता है। वो उसके बाद एक इमोशनल किस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं और अभी के लिए दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक की घोषणा की। गेल और एरिका को पता चलता है कि उनकी शादी को केवल 3 हफ्ते ही हुए थे। ये बात उन्हें काफी शॉक करती है, और वो फिलिप को फिर से एक सुंदर सिंगल मैन के रूप में देखने लगते हैं।
अगले दिन कैरल फिलिप के घर से बाहर चली जाती है और जब वह अकेला होता है तो गेल वहाँ आती है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे मदद के लिए कहती है। फिलिप को इशारा मिलता है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कैरल अपना सामान लेने के लिए आती है। वह उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहती है लेकिन दोनों कैरल के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करते। जाने से पहले गेल ने फिलिप को 3 बजे घर आने के लिए कहा। फिलिप की खुशी का ठिकाना ही नहीं है और वो घड़ी के 3 बजने का इंतजार भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ टोड और मेलिसा का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। वह मेलिसा के लिए हार्ट शेप पैनकेक बनाता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन मेलिसा रिप्लाई में सिर्फ सिंपल सा थैंक यू कहती है। मेलिसा का जवाब टोड को शॉकिंग लगता है लेकिन वह ठीक होने का दिखावा करता है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।